फीलिंग इज़ फिनोमिनल. अभी बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू पूरे इंडिया के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया. और क्या बोलूँ, बस वर्ड्स की कमी है अभी. प्रोसेस कर रही हूँ ये सारे इमोशंस. विनिंग मोमेंट पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. रोना चाहती थी, आंसू नहीं निकल रहे थे. हंसना चाहती थी, हंसा नहीं जा रहा था. बस अपने आसपास जो भी चल रहा था उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी. और फिर फाइनली जब वो क्राउन मेरे सर पे आया तो फिर काफ़ी इमोशनल हो गई मैं. बहुत अच्छा लगा. सारी 63 कंट्रीज़ की लेडीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत टैलेंटेड थी. और उन स्पेशली जब कंपटीशन इतना टफ होता है उसके बाद जीतना और अच्छा लगता है. सबसे ज़्यादा मैं अपने देशवासियों को ही याद कर रही थी, क्योंकि मुझे यही था कि अब जब ये न्यूज़ इंडिया पहुँचेगी तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात होगी सबके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया, इतने एक पूरे एक साल तक मेरा साथ दिया. उन सभी औरतों के लिए, मैरिड वुमेन जिन्होंने सोचा कि हम अगर ये पूरा नहीं कर पाई सपना अपनी लाइफ टाइम में, तो इसको वो सपना पूरा करते हुए देखें. और ऐसा क्योंकि मुझे उनके मैसेजेस आते रहते थे ये बोल के कि तुम ये कर रही हो ऐसा लग रहा है हम जीत रही हैं. तो जब वो सपना उनके लिए पूरा किया तो और अच्छा लगा. मेरी फैमिली ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था कि तुम तो अब हमारी रही नहीं, अब तुम सिर्फ मोहिनी की हो चुकी हो, तो तुम करो जो तुम्हें करना है. एंड दैट्स हाउ दे ट्रीटेड मी. दे वो शुरू से ही मेरे बहुत सपोर्ट में रहे हैं. और ऐसी फैमिलीज मिलना इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर सब ने मिल के मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सब चीज़ें साथ साथ होती चली गई और मैं बस अपने काम में बिज़ी रही और अपने गोल पर फोकस्ड रही. मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक ड्रीम होती है कि मुझे लीक से हटकर कुछ करना है. हर कोई वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाता है क्योंकि उसको वो प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिलता है. मुझे वो स्टिमुलस मेरे फादर ने दिया और बाद में शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने. जब उन्होंने मुझे कहा, मैं स्कूल जाती थी तो मुझे बोलते थे कि ये देखो ये सब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, मैं भी ऑफिस के लिए जाऊंगा अभी और फिर शाम को घर आके फिर सुबह दोबारा उसी रूटीन को फॉलो करूंगा. आई डोंट वांट यू टू फॉलो रूटीन इन लाइफ. आई वांट यू टू डू समथिंग डिफरेंट विद योर लाइफ. आई वांट द वर्ल्ड टू नो यू. एंड आज ही पापा का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे और उन्होंने कहा कि मैं तुझे कहता था ना कि तू कुछ अलग करेगी ज़िंदगी में, देख तूने कर दिया. अब मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, तूने मेरा नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया है, अब मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं. कोई एक आइडल, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि लाइफ में ना एक आइडल नहीं हो सकता आपका. हर इंसान हर मोड़ पे आपको कोई नई चीज़ सिखाता है. सुष्मिता सेन ने बचपन में सिखाया कि वो क्राउन जीतने का जो एक पहला वो स्टेप था वो वहाँ से आया. अपने पिताजी से सीखा, अपनी दादी माँ से सीखा, अपनी माँ से सीखा पेशेंस क्या होती है, इनसे सीखा लीडरशिप क्या होती है, अपने हस्बैंड से सीखा कि सपोर्ट क्या होती है, हस्बैंड की सपोर्ट क्या होती है, एक आदमी की सपोर्ट क्या होती है. और बस करते करते आई थिंक इंस्पिरेशन कैन नॉट बी डिफाइंड टू वन पर्सन, कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड टू वन पर्सन. यू ऑलवेज हैव टू learn and you always have to feel inspired from every single person that you meet. Prepared hona padega agar nahi bhi hu to bhi kyunki sabse zyada jo expectations hain wo mujhe lagta hai married auraton ki hai mujhse, kyunki unhone abhi tak itna saath diya hai to wo aage bhi chahengi ki main unka saath dun, kyunki ab main ise platform pe khadi hu aur wo main karti rahungi hopefully. बॉलीवुड दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी. आई थिंक प्रायोरिटी हमेशा कुछ बड़ा करने की होनी चाहिए. बॉलीवुड इज़ अ बिग थिंग ऑफ कोर्स, बट अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा और कुछ करना बाकी है. सोसाइटी में बहुत बदलाव लाना ज़रूरी है. बॉलीवुड वगैरह ये सब होता रहेगा, पहले कुछ हासिल कर लेते हैं. और जस्ट वॉन्ट टू से दैट कीप सपोर्टिंग नॉट जस्ट मी
बट मिसेस पैजेंट्स को आपने मिस पैजेंट्स को बहुत प्यार दिया, बारी है कि मिसेस पैजेंट्स को भी आप उतना ही प्यार दें, क्योंकि जितना सपोर्ट और जितना प्यार मुझे आज महसूस हुआ है यहाँ इंडिया में वापस आकर, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है। तो और औरतों को भी आप ऐसा फील कराइए कि शादी करके कोई बंदिश नहीं बन गई, आपके पैरों में कोई बेड़ियाँ नहीं बन गई हैं, आप कुछ भी कर सकते हो और कितना भी आगे जा सकते हो, यू जस्ट नीड दैट राइट पुश, और वो राइट पुश हमारी सोसाइटी ही दे सकती है। तो प्लीज़ keep doing that. Enough, थोड़ा पीछे किसने कहा बोलने का, चलो कट कर रोल है। Sargam for Mrs. Gore! Once more. Now, Mrs. Gore! मैं एक बार वापस के लिए नहीं जा रहा। आप मैम? नहीं नहीं मैम आप नहीं आप के लिए। वो मिला नहीं। अरे तो वो यार वाइट मैन है। एक सेकंड अगर हो गया तो मैं आता हूँ। एक सेकंड एक सेकंड। हो गया हो गया। एक सेकंड मेकिंग क्या कर रहा है भाई, इधर से लेना अच्छा मिलेगा। एक बार वापस खिलाओगे क्या? टेंशन की तेरे को भी खाना इधर।